जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्नैक लवर अनिरुद्ध सिद्धार्थ और यहाँ पे शोभा रोड पे आया हूँ एक सांप का रेस्क्यू करने के लिए। और सांप इसके पीछे है, ये देखते हैं, दिखाई तो दिया था कोबरा है, लेकिन किस तरह से बाहर आएगा अभी देख लेते हैं। आपको दिख रही, आ जाइए यहाँ पे यहाँ पे देखिए, इसकी पूंछ थोड़ी सी दिखाई दे रही है। ये बेटा है, साइज इसकी काफी अच्छी है। लीजिए एक मिनट पकड़ के रखिए आप। दोस्तों ये सांप को पकड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं हुई, मुझे लगा यहाँ पीछे से जगह नहीं थी, मेरा हाथ नहीं गया इसलिए हाथ से छूट गया, तो सांप अपने आप ही बाहर आ गया। वो नहीं करता मोबाइल तो। दोस्तों ये कोबरा सांप है, ये कोबरा सांप है दोस्तों, और ये जहरीले होते हैं लेकिन बेवजह किसी को काटते नहीं है। से इंडियन नाजा नाजा कोबरा कहते हैं। बोलो दोस्तों, आज मेरे कैमरामैन ये घर के मालिक ही है, उसी ने पकड़ के रखा है फोन, आज मेरे साथ कोई नहीं था। दोस्तों सांप चाहे कोई भी कैसा भी कितना भी जहरीला कुछ भी हो, उसे डरना नहीं चाहिए। सांप हमसे हमेशा डरते हैं, हमारे नजदीक आना कभी भी नहीं चाहते, लेकिन क्या रेसिडेंसी एरिया में इसीलिए आते हैं कि चूहे मेंढक को खाने के लिए आ जाते हैं, वरना हमारे घर में आने का इसका कोई शौक नहीं होता और कोई मर्जी भी नहीं होती। या कि क्या मिलेगा दोस्तों, ठंडी चालू हो गई है तो अभी सांप का निकलना भी बहुत ही कम हो जाएगा। अभी सांप ज्यादा निकलेंगे भी नहीं, इसकी शीत निंद्रा कहते हैं, लंबी निंद्रा में वो चले जाएंगे, तकरीबन 4-5 महीने तक आराम से सोते ही रहेंगे जब तक ठंडी पूरी तरह से निकल ना जाए और गर्मी स्टार्ट ना हो जाए। कोबरा की तो मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगर आपको ये सांप आपके घर में नहीं चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी जीव को मारना नहीं चाहिए, मेंढक हो चाहे चूहा हो, किसी को भी आप घर में मारोगे और उसकी खून की स्मेल आएगी तो ये कहीं दूर रहता होगा तो भी आपके घर में आएगा वो खाने के लिए। तो कभी भी कोई भी जीव को ना मारे तो कोई टेंशन नहीं होगी दोस्तों। ओके दोस्तों, इसे भी पैक कर लेते हैं।
बाद आपने देखा होगा कि मेरे हाथ से एकदम नजदीक से निकला, ये चाहे तो मुझे काट सकता था लेकिन इसने काटा नहीं, वो हमारे नसीब इतने अच्छे है। और हम इसे कभी भी प्रेशर करके तो पैक भी नहीं करेंगे, चाहे काट भी ले तो भी मंजूर है, इसे चोट तो हम लगने ही नहीं देंगे, कोई कुछ भी हो जाए। ये इतने बड़े डब्बे में से बाहर निकल गया, हंसने वाली बात थी दोस्तों। ओके तो दोस्तों, इस सांप का रेस्क्यू भी सोपावर गांव से हो चुका है, तो इसे कहिए हम अच्छी जगह पर रिलीज कर देंगे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय।